हे फ्रेंड्स, मेरा नाम सोमराज, आप देख रहे हैं बायोग्राफी विद सोमराज। एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू माय FZX वर्जन 2 2015 मॉडल। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट थिंग, इट्स ए 150cc नेकेड स्पोर्ट्स बाइक। इन इंडिया में उस वक्त कुछ ही बाइक्स हैं जो इसके कॉम्पिटिशन में हैं। तो इट्स ओरिजिनली इट्स ए 149cc बाइक, 149cc। और अगर हम बात करें इसकी BHP, 13 BHP, 12.8 इसके टॉर्क, तो ओवरऑल देखा जाए ठीक है। इस वक्त आफ्टर GST इसका बैच कोई 93-94 होने वाला है। मैंने भी 93 की ली थी अराउंड 2.5 ईयर्स बैक, तो GST से थोड़ा सा प्राइस डाउन हुआ है, इज़ गुड। अगर हम बात करूँ उसके ब्रेक्स, तो ब्रेक्स आर गुड। फ्रंट में वी हैव डिस्क ब्रेक एंड रियर में ड्रम ब्रेक। तो दोनों इतने कैपेबल हैं कि अगर ये बहुत अच्छी खासी स्पीड में हम जा रहे हैं, अगर हम वो अप्लाई कर दें, तो वो गाड़ी इतनी स्लो डाउन हो जाती है, जैसे आप कह सकते हो कि जैसे म्यूचुअल फंड्स की जो वार्निंग वाले देते थे, बोलो आपका अब बोलो जितने स्लो डाउन हो गए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। प्लीज रीड द स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड द स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। एक जो बहुत ही बेकार चीज जो उसमें मेरे को फील हुई, वो था इसका हॉर्न। तो ओरिजिनली हमें मिलता है दैट इज, तो उसके जो बल्की लुक है उसको ये मैच नहीं कर रहा, लेकिन वो हम एक्सटर्नली भी उसको सेट कर सकते हैं, तो नॉट एन बिग इशू। बट वैसे उसका साउंड रियली बैड, बट स्टिल बेटर देन धिंजा पूजा। तो द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बाइक इज कि ये वाइब्रेट नहीं करती, आप कितना भी हाई स्पीड में इसको चला लो। जो एक वाइब्रेशन जो नॉर्मली आपको इस सेगमेंट में और बाइक में मिल जाते हैं अराउंड 115 के बाद, तो वो उसमें हमें नहीं मिलता, तो जो बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर बात करूँ बैलेंसिंग की, वो उसकी बहुत अच्छी है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है। अब हम बात करते हैं इसकी राइड की, सो लेट्स स्टार्ट इट। सो नाउ आई एम ऑन द बाइक, और अगर मैं बात करूँ उसकी राइडिंग क्वालिटी, तो वो डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा स्मूथ है। इवन आई कैन से द बेस्ट, अगर मैं बात करूँ कि इसकी इंजन रिफाइंडनेस की, तो वो बेस्ट है सेगमेंट में। सेकंड पॉइंट इसका हैंडलिंग बहुत अच्छी है। मैंने इस सेगमेंट में और जो बाइक राइड करी हैं, पल्सर 150 एंड CVZ एक्सट्रीम दैट ओल्डर वर्जन एंड न्यू वर्जन 2, और इसके अलावा और भी जो 150cc मुझे याद नहीं आ रहे। तो कंपेयर टू ऑल ऑफ देम, जो राइडिंग जो हैंडलिंग है इसमें वो बहुत अच्छी है। इसको आप कैसे भी राइड कर सकते हो, मतलब जस्ट अब ये हमारी बॉडी का पार्ट बन जाती है। और अलॉन्ग विद दिस, अगर मैं बात करूँ सिर्फ नेगेटिव पॉइंट, तो वो है कि हेडलाइट उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। अगर मैं बात करूँ सिटीज़ में, तो ये स्ट्रीट लाइट्स होती ही हैं, तो डे टाइम में तो प्रॉब्लम होती नहीं, और नाइट में अपना काम चल जाता है। लेकिन अगर बात करूँ, अगर आप हाईवे कवर करते हो मोस्टली इन द नाइट टाइम, तो जो इसकी जो लाइट आती है वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा LED लाइट यूज़ करनी ही पड़ेंगी अगर आप बेटर व्यू चाहते हो। तो वो एक पॉइंट होता है, तो जो कि इसके एक डिसएडवांटेज में आता है, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जो इजीली आप इसको चेंज कर सकते हो, मतलब ये इजीली ठीक हो सकता है, कोई नॉट अ बिग इशू। अगर मैं बात करूँ इसकी पिकअप की, तो हाँ वो उसका थोड़ा कम ही है कंपेयर टू अदर बाइक्स ऑफ दिस सेगमेंट, अगर आप किसी भी उससे बात कर लो, तो ऑब्वियसली एक माइनस पॉइंट है। लेकिन इस पिकअप में और इस लुक में और इस माइलेज के साथ जो एक कंप्लीट पैकेज बन रहा है, स्पेशली द यामा का ट्रेड फैक्टर, वो बेस्ट है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट स्पीड, तो वो जो मैंने इस पे कैच करी है, दैट इज़ 114-115 समथिंग, और अराउंड ये इतनी ही जाती है 116 तक मैक्सिमम, जहाँ तक मेजोरिटी लोगों की जाएगी। सो दैट इज़ अ कंसोल आफ्टर लाइट। तो अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये क्वाइट गुड, इन्फॉर्मेटिव, हर चीज़ ठीक है, लेकिन उतना ज़्यादा इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आप कंपेयर करने बैठोगे, तो ये आपको फील होंगे। अगर आप एज इट इज इसी बाइक में चेक कर रहे हो, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर कंपेयर करने जा रहे हो, तो हाँ एक जो एक्चुअली कभी मेरे को भी फील होता है, वो है टाइम, इसमें वॉच नहीं है, तो एक बिग इशू है। और अगर आप नए राइडर हो, तो उसमें गियर सिर्फ इंडिकेटर नहीं है। इफ आई टॉकिंग अबाउट इट्स फ्यूल इकोनॉमी,
तो देट इज गुड, एक्चुअली गुड. जो पुरानी एफ जी आती थी उन सबके, उस सबकी जो सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेजेस होती थी वो यही होती थी कि माइलेज में वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट थी पूरे सेगमेंट में. 30-35 बहुत हो गया, तो अब 150 cc की बाइक 30 का माइलेज दे तो वो मतलब कोई भी जस्टिस नहीं है ऑब्वियसली. 200 cc की बाइक दे तो वो भी ठीक है, लेकिन 150 cc में तो ऑब्वियसली इट्स वेरी बैड. सो वो एक उस पॉइंट पे बहुत अच्छा वर्क किया यामा ने, और व्हेन दे इंट्रोड्यूस FI इंजन और उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स रिड्यूस कर दिए जो डेफिनेटली बहुत बेटर रहे इसके माइलेज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हैंडलिंग तो अभी भी उतनी ही अच्छी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो जो उन्होंने CC के साथ थोड़ा सा जो खिलवाड़ करी, थोड़ा सा इसको कम करके, पिकअप को थोड़ा सा डाउन करके, तो वो एक इफेक्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ राइडर्स को, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में वो हेल्पफुल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती. जितना पिकअप है दैट इज सफिशिएंट. एक 150 cc बाइक से हम इतना जितना एक्सपेक्ट करते हैं उतना हमें मिल रहा है, तो ठीक. लेकिन उससे जो फ़ायदा हुआ वो ज़्यादा बेटर हुआ, वो था माइलेज. अब मैं अगर बात करूँ इसको, इजिली आई गॉट 40 का माइलेज अराउंड, मतलब 35-40, इवन 45 अगर एक अच्छे हाईवे पे और अच्छे इकोनॉमी रेट पे हम इसको कर रहे हैं तो 45 तो हाँ, 40 भी सिटीज़ में 38-40 तो विच इज़ एक्चुअली गुड माइलेज. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट, माइलेज प्लस पिकअप ठीक ठीक और लुक प्लस हैंडलिंग प्लस स्मूथनेस प्लस इंजन फाइननेस प्लस यामा सर्विस प्लस. तो ये थी इसकी टेस्ट राइड. लेकिन अब मेन क्वेश्चन इज, क्या आज भी 2017 में ये एक बेस्ट 150 cc नेकेड स्ट्रीट बाइक है या नहीं? उसके लिए जो मेन कंपटीशन की बात करूं तो हमें इस सेगमेंट में जो बेस्ट कंपटीशन मिल रहा है वो मिलेगा अपाची से, अपाची 160 cc, विच इज़ रियली गुड बाइक, लुक्स गुड एंड एवरीथिंग. बट मेन थिंग जो मेरे को उसमें नहीं अच्छी लगती वो है कि इसका जो लुक है इस वक्त प्रेजेंट लुक वो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है. वो उसमें काफ़ी टाइम से TVS ने कोई चेंज नहीं लाया है तो थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है. सेकेंड पॉइंट उसका रेयर व्हील, आप इसका रेयर व्हील देखो यार, टोटली स्पोर्टी एग्रेसिव एंड बढ़िया चौड़ा है ऑब्वियसली, लेकिन हमें उसमें ये इतना नहीं मिलता. और जो हमें सब्स्टिट्यूट मिलते हैं वो एक आएगा CB हॉर्नेट होंडा. क्वालिटी वाइज विच इज़ रियली अ गुड प्रोडक्ट. लुक वाइज एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि लुक वाइज वो थोड़ा सा कम है, अदरवाइज वो भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. इस सेगमेंट में जो अनदर बाइक है एक्सट्रीम 150 cc CBZ, हीरो को तो कितना देखना है वो तो आप छोड़ो, उसको हम बाहर ही करते हैं. बाकी इस सेगमेंट में इस वक्त जो प्रेजेंट में एक अच्छा कंपटीशन जो मार्केट में आया है वो आया है पल्सर 150 NS. तो वो एक बहुत अच्छा कंपटीशन है जो इस बाइक को कम्प्लीटली एक बहुत अच्छा चैलेंज दे रहा है, लुक में भी, माइलेज में भी, सब कुछ में. लेकिन पल्सर या फिर दिस मतलब 160 NS और दिस, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ पावर ओरिएंटेड हो, आपको पिकअप बहुत अच्छा पिकअप चाहिए, आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इन द सेंस एक हाई पिकअप वगैरह चाहिए और आप थोड़ा सा कम खर्च भी करना चाहते हो तो ऑब्वियसली एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए, आप NS ले लो, गो फॉर द NS. लेकिन अगर मैं बात करता हूँ रिलायबिलिटी की, अब सिंपल सा एक दो कैटेगरी हम बांट लेते हैं. अगर आप एक कस्टमर हो जो रिलायबिलिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप चाहते हो आपकी बाइक बहुत ज़्यादा रिलायबल हो, लंबे टाइम से स्मूथ चलती रहे बिना ज़्यादा किसी खर्चे के, तो गो फॉर यामा सिंपल. अगर आप थोड़ा भी फोकस करते हो कि रिलायबिलिटी ठीक है, मेरे को तो ऐसे 2-3 साल में बाइक बेच देनी होती है लेकिन जो परफॉर्मेंस मेरे को मिलनी चाहिए वो ऑन द पीक मिलनी चाहिए, तो गो फॉर NS. सो दैट्स ऑल फॉर दिस. तो सिंपली इज कैटेगराइज्ड, इट्स लुक सब्जेक्टिव है, हर चीज़ चॉइस भी आपकी सब्जेक्टिव है, आप क्या लेना चाहते हो. तो अगर आपको रिलायबिलिटी चाहिए, आप चाहते हो एक बार बैग ले लो और लंबे टाइम तक बिना किसी झंझट के एक्सेप्ट सर्विस कराने के अलावा आपको और कुछ एक्स्ट्रा खर्चे करने की जरूरत ना पड़े अपनी बाइक में, तो गो फॉर दिस. अगर आप थोड़ा बहुत वो बजाज की जो चेन का ढीला होना, हेड का साउंड करना और उस तरीके की किसी और उससे आप फर्क नहीं पड़ता, आप ऑलरेडी बजाज आपके आप राइडर हो कोई, तो आपको पता होगा क्या सीन होगा जो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ.
तो आप यू कैन गो विद NS, और यही दो इसमें बेस्ट कॉम्पिटिशन है इस सेगमेंट में। इसके अलावा आप जो किसी और ऑप्शन पर जाते हो तो आई डोंट थिंक सो कि इससे बेटर ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो प्लीज़ डेफिनेटली मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए इसके बारे में। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉइंट आपका मिस हो रहा हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है अभी भी किसी बाइक को लेके इस सेगमेंट में, किसी अनदर सेगमेंट में भी, FZ25 को लेके या फिर और भी कुछ, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए। और इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करिए और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी आने वाले टाइम है और भी ज़्यादा बाइक के रिव्यूज़, ऑनेस्ट रिव्यूज़, और साथ में कुछ ट्रैवल व्लॉग्स भी आएंगे बाइक से रिलेटेड। जहाँ जहाँ भी मैं जाता हूँ और बाइक से जाता हूँ तो उन वो सारे ट्रैवल व्लॉग मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको वो अच्छे लगेंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे आपको इस उन सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें और कुछ मिस ना हो जाए। कर स्टार्ट कर। बाय बाय।